ये विजुअल्स हैं यूएस और यूके से, जहां वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गई है और जिसकी वजह से लोगों का हौसला बढ़ गया है कि कोविड-19 की महामारी 2020 के साथ खत्म होने को आएगी। इन वीडियोस के साथ आपके मन में शायद कई सवाल उठेंगे। इंडिया में कब वैक्सीन आएगी? आपको कब वैक्सीन मिलेगी? एक वैक्सीन का दाम क्या होगा? क्या इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट करने का? और यूके स्ट्रेन का क्या, क्या उससे वैक्सीन का समाधान हो पाएगा? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या वैक्सीन की वजह से कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हो पाएगा या नहीं? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो है, तो आप वीडियो के नीचे चैप्टर मार्कर्स यूज कर सकते हैं अपने सवाल ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में अभी करंट सिचुएशन क्या है वैक्सीन के बारे में। 28 दिसंबर को इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल कर दी जाएगी पब्लिक को इंडिया में, पर सभी को वैक्सीनेट होने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर भार्गव जो डायरेक्टर जनरल है ICMR के, उन्होंने कहा था कि बस कुछ लोगों को ही वैक्सीनेट करने की जरूरत है वायरस का ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए। हमारी सरकार ने कहा कि अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी। इंडिया में अभी 8 डिफरेंट वैक्सीन एक रेस में है। इन 8 में से 2 ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई भी कर दिया है। इन 8 वैक्सीन के अलावा फाइजर वैक्सीन जो अभी US और UK में एडमिनिस्टर हो रही है, उन्होंने भी इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया में अप्लाई किया है। अगर हम वैक्सीन के दामों के बारे में बात करें तो एस्टिमेट्स के हिसाब से इन वैक्सीन की कॉस्ट हो सकती है 450 रुपए से 5,500 रुपए तक। अनफॉर्चुनेटली अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है प्राइसिंग के बारे में, पर पॉजिटिवली फाइजर जैसी कंपनीज ने कहा है कि इंडिया में दाम US और UK के दाम के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि इंडिया की पब्लिक के हिसाब से होगा। कोविड-19 वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी कि NEGVAC बनाया है। NEGVAC ने 30 करोड़ इंडियंस को प्रायोरिटी देने का फैसला दिया है, जिसमें से 1 करोड़ होंगे हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 करोड़ होंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट या फिर आर्म फोर्सेस, और तीसरे ग्रुप में होंगे 27 करोड़ जो या तो 50 साल से ज्यादा हैं या फिर वो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से उनको कोविड-19 से ज्यादा खतरा हो सकता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि कोविन को भी क्रिएट किया है। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ अप टू डेट डिटेल अवेलेबल होगी कि किसको वैक्सीनेट किया गया है और किसको नहीं। लोगों के बारे में जानकारी भरने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हमारी सरकार लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस की इलेक्टोरल रोल्स को यूज करेंगे। हम लोग भी सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं एक ऐप डाउनलोड करके, और सरकार के हिसाब से 12 तरीके के फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे हमें सेल्फ रजिस्टर करने के लिए। अब अगर हम वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव न्यूज ही आई है। रिसर्च स्टडीज के हिसाब से फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन की रेस में सबसे तेज रही हैं, उनकी इफेक्टिवनेस करीब 95% है, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम है 70%। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए इन वैक्सीन्स के बारे में डेटा हमारा बहुत कम है। जैसे एक सैंपल के लोगों को जिनको पहले हाफ डोज मिला और फिर फुल डोज, उन पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की इफेक्टिवनेस थी 90%, पर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सैंपल साइज काफी नहीं है वैक्सीन को जज करने के लिए। हमें वैक्सीन की फुल इफेक्टिवनेस के बारे में जानकारी तभी मिलेगी जब ज्यादा लोग इन वैक्सीन को आजमाएंगे और साइंटिस्ट फिर इन वैक्सीन को अपडेट करेंगे। जैसे एक रिसर्चर ने कहा कि लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा कि लोगों को ज्यादा वैक्सीन बूस्ट की जरूरत है या नहीं। आप में से कई लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट से चिंतित होंगे। यूके में एक स्टडी हुई थी जहाँ करीब 40,000 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे, और इस स्टडी से पता चला कि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है कि जहाँ वैक्सीनेट हुए हैं लोग उधर ज्यादा पेन है। रेडनेस, स्वेलिंग और फर्मनेस जैसे साइड इफेक्ट्स भी देखे गए। यूके में फाइजर वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों ने एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में कंप्लेन किया, जिसकी वजह से यूके सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी कि जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस कॉमनली होते हैं उनको भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। 63% लोगों ने फीवर और फटीग के बारे में भी कंप्लेन किया। ऐसे साइड इफेक्ट्स यूजुअली 24 to 48 hours देखे जाते हैं वैक्सीन लेने के बाद, और ये इतने अनकॉमन नहीं होते। आप किसी भी तरीके के वैक्सीन लेते हैं तो कई बार साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक कॉमन रिएक्शन होता है किसी भी वैक्सीन के खिलाफ। पर एलर्जिक रिएक्शंस या फिर फीवर तो एक बात है, कई लोगों में सीरियस साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। रिसर्च के हिसाब से
क्रिटिकल साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर हैं और बस 0.5% वॉलंटियर्स में ही देखे गए हैं। 4 वॉलंटियर्स में एक सीरियस पैरालिसिस कंडीशन भी पैदा हो गई थी फाइजर वैक्सीन के बाद। साइंटिस्ट ने इसके बारे में और रिसर्च करी और ये देखा कि ये जरूरी नहीं है कि ये 4 केसेस बस फाइजर वैक्सीन की वजह से ही है। एक डॉक्टर के हिसाब से ये 4 केसेस नॉर्मल रेंज में है इस पैरालिसिस कंडीशन के। हमारी सरकार को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इस वीडियो में हम 4 की चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। पहला, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो प्रायोरिटी ग्रुप्स में है। दूसरा, अपने लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरकम करना। तीसरा, उन लोगों को कन्विंस करना जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते। और चौथा, ये देखना कि इन वैक्सीन को पे कौन करेगा। दूसरे देशों की तरह इंडिया ने भी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सीनियर सिटीजन्स और वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको प्रायोरिटाइज किया है। पर एक प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करेगा वो है लैक ऑफ डेटा। हमारे पास इतना डेटा नहीं है इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को भी इंडिया कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर सकता है इलेक्टोरल रोल्स के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि जो हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, डायबिटीज़ या फिर लंग डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कैलकाटा की सिटी गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे उधर के डेप्यूटी चीफ म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने सर्वे करना स्टार्ट कर दिया है कैलकाटा के 144 डिस्ट्रिक्ट्स में। पर ऐसी एक्सरसाइज हमें दूसरी जगह देखने को नहीं मिली है। जैसे पुणे डिस्ट्रिक्ट के इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ने कहा कि भारत सरकार ने उनको ऐसा कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं कहा है। प्रायोरिटी ग्रुप्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें कई और प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी। जैसे पुणे के इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ने बताया कि कई डॉक्टर्स अपने फैमिली मेंबर का नाम दे रहे हैं वैक्सीनेशन लिस्ट में, इसके बावजूद कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। जैसे कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अगस्त 2021 तक 30 करोड़ इंडियंस को वैक्सीनेट किया जाएगा, और क्योंकि हर वैक्सीनेशन में 2 डोसेज इन्वॉल्व है, इंडिया को 60 करोड़ डोसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इजी नहीं है। अगर आप वैक्सीन की सप्लाई चेन देखोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसे वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है कोल्ड चेन पॉइंट्स। अब इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई चेन में बहुत इन्वेस्टमेंट्स तो करी है, पर 60 करोड़ डोजेस के लिए अगस्त 2021 तक क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है? लाइव मिन ने एक एनालिसिस करी और उन्होंने ये देखा कि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बस 36 करोड़ डोसेस का ही है, ना कि 60 करोड़, यानी कि 24 करोड़ डोसेस का अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऑडिट किया था 2 साल पहले, जहां इंडिया के 20% कोल्ड चेन पॉइंट्स में वैक्सीन की वेस्टेज देखने को मिली। वैक्सीन मैनेजमेंट के 9 इंडिकेटर्स में इंडिया का स्कोर ग्लोबल टारगेट से कम है, और इसके अलावा कुछ स्टेट्स वेल प्रिपेयर्ड है पर कुछ स्टेट्स की हालत बहुत ही खराब है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हर लाख लोगों के लिए नंबर ऑफ कोल्ड चेन पॉइंट्स दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जिससे हमारी सरकार को लड़ना पड़ेगा वो है कि कई लोग शायद वैक्सीन नहीं लेना चाहेंगे। जैसे कम्युनिटी सर्वे के हिसाब से करीब 60% लोग अनश्योर है कि वो कोविड-19 की वैक्सीन लेंगे। वैक्सीन ना लेने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक मेजर कारण हो सकता है कि लोगों का भरोसा नहीं उस वैक्सीन पर। जैसे इस साल जब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे थे इंडिया में, तो दिसंबर में एक पार्टिसिपेंट ने कंप्लेन करी थी कि उनको वैक्सीन की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट्स हो गए। पर इस प्रॉब्लम को डील करने की बजाय सीरम इंस्टीट्यूट जो मैन्युफैक्चर करता है इस वैक्सीन को, उन्होंने 100 करोड़ का केस डाल दिया पार्टिसिपेंट पर, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा कम हो सकता है वैक्सीन। पॉलिटिक्स की वजह से भी ये भरोसा कम हो सकता है। जैसे बिहार इलेक्शन के दौरान हमने देखा था कि कैसे बीजेपी ने ये वादा दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वैक्सीन फ्री में दी जाएंगी, पर कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पोल प्रॉमिस था, क्योंकि कुछ लोगों का तो मनोबल बढ़ सकता है वैक्सीन के बारे में, पर दूसरे लोगों का तो शायद आपकी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, उनका मनोबल कम हो सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, पर इसके साथ ही साथ हमें एक बैलेंस भी मेंटेन करना चाहिए जहां हम पॉलिटिक्स को मिक्स ना करें। इसी वजह से लोगों ने दावा किया है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स को ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए लोगों को कन्विंस करने के लिए। जैसे प्रबीर चैटर्जी जो एक डॉक्टर है रूरल बंगाल में, उन्होंने कहा था कि पोलियो वैक्सीन के प्रोग्राम के दौरान वो लोगों को कन्विंस करने के लिए
खुद वैक्सीन ले लेते थे ये दिखाने के लिए कि ये वैक्सीन सेफ है, पर उनका कहना है कि क्योंकि सरकार की तरफ से इतना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो खुद कन्विंस नहीं है कि क्या वैक्सीन इफेक्टिव होगी या नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि लीडिंग मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बात करें वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के बारे में। इसके साथ ही साथ इंडिया की एक बहुत डार्क हिस्ट्री रही है फोर्स स्टेरिलाइजेशन या फिर नसबंदी के बारे में। इमरजेंसी के दौरान 1970s में इंडियन सरकार ने कई लोगों को मजबूरन स्टेरिलाइज किया था ताकि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सके। इसी वजह से कई रूरल लोगों के मन में डर है कि वैक्सीन्स एक जरिया हो सकता है फोर्स स्टेरिलाइजेशन का। जैसे रिसर्च स्टडीज ने दिखाया कि यूपी में कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव से डरते थे इसी कारण की वजह से। नसबंदी के अलावा अंधविश्वास भी लोगों को और डरा सकता है वैक्सीन्स के बारे में। 1960s और 1970s में कई लोगों ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो ये मानते थे कि स्मॉल पॉक्स शीतला माता का एक रूप है। ऐसा अंधविश्वास और भी ठोस हो सकता है हमारे व्हाट्सएप और फेक न्यूज के दौर में। फिर फाइनल चैलेंज है कि क्लैरिटी नहीं है कि कौन वैक्सीन के पैसे देगा। जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वैक्सीन सबके लिए फ्री होगी, पर नेशनल लेवल पर इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई है। हमें ये भी नहीं पता कि अगर वैक्सीन की प्राइवेट सेल होगी तो उस पर एक प्राइस कैप होगा या नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उन्होंने कहा है कि उस वैक्सीन की सेल से वो प्रॉफिट नहीं लेंगे जब तक ये क्राइसिस जारी है, पर उन्होंने क्राइसिस की एंड डेट को 31 जुलाई 2021 का है। तो क्या इसका मतलब है कि जुलाई के बाद वो अपने प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं? इसके साथ ही साथ हमारी सरकार को ब्लैक मार्केट पर भी नजर डालनी होगी। जैसे कुछ महीने पहले ड्रग रेमडेसिविर, जो माना जाता था कोविड-19 को ट्रीट कर सकता है, उसको 5,500 में नहीं बल्कि 60,000 पर डोज बेचा जा रहा था। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। मान लीजिए कि कोविड-19 वैक्सीन इफेक्टिव हैं, वो मैन्युफैक्चर हो गई, 30 करोड़ प्रायोरिटी इंडियंस को वैक्सीन मिल भी गई और भी लोगों को मिल गई, तो क्या कोविड-19 क्राइसिस खत्म हो जाएगा? शॉर्ट आंसर है, ऐसा नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट के हिसाब से नोवल कोरोना वायरस म्यूटेट कर सकता है, यानी कि एक दूसरा फॉर्म ले सकता है इन वैक्सीन से बचने के लिए। जैसे हमने देखा कि यूके और साउथ अफ्रीका में नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन देखने को मिले हैं, पर साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सारी वैक्सीन को इनफेक्टिव नहीं कर देंगे। ये एक प्रोसेस महीनों में नहीं होगा, बल्कि कोरोना वायरस को सालों लगेंगे एक ऐसे फॉर्म में इवॉल्व होने के लिए जिससे हमारी सारी वैक्सीन इनफेक्टिव हो जाएंगी। और हम उम्मीद यही लगा सकते हैं कि जब सालों बाद एक नया स्ट्रेन निकलेगा भी, तो साइंटिस्ट को पता रहेगा और हमारी सारी वैक्सीन फिर अपडेट हो जाएंगी। कोविड-19 का क्राइसिस तभी खत्म होगा जब लोग इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में वैक्सीनेट हो जाएंगे। और हम देख सकते हैं कि जहां अमीर देश जैसे यूके और यूएस ने तो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दी है, पर गरीब देशों के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए और ऐसी वैक्सीन खरीदने के लिए। इसे mRNA की टेक्नोलॉजी जो कोविड-19 वैक्सीन को डिवेलप करने के लिए यूज करी जाती है, उनके आधे पेटेंट्स बस 4 कंपनीज के पास हैं जो यूएस में बेस्ड हैं। तो इसके बावजूद कि इंडिया जैसे देशों के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो ऐसी वैक्सीन को शायद मैन्युफैक्चर ना कर पाए। और ऐसे तो कई गरीब देश हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को ध्यान से देखेंगे, हमें ये पता चलेगा कि बीमारियां कुछ सालों में नहीं बल्कि कुछ सदियों में इराडिकेट होती हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1796 में इंट्रोड्यूस हुई थी, पर स्मॉल पॉक्स हमारी दुनिया में 1980 में ही खत्म हुआ था। पोलियो की वैक्सीन 1955 में इंट्रोड्यूस करी गई थी और इंडिया 2014 में ही पोलियो फ्री हुआ था। तो अगर कोविड-19 की वैक्सीन सक्सेसफुल भी रही, हमें ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि कोविड-19 हमारी दुनिया में कई साल तक रहेगा और हमें उससे लड़ना ही होगा। पर कोविड-19 की क्या टाइमलाइन रहेगी, वो हम पे डिपेंड करती है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक्सपर्ट्स की राय सुनते रहें और हमारे आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करते रहें कि कोविड-19 की वैक्सीन कितनी इफेक्टिव हैं और कितनी नहीं।